Hi guys, welcome to India's Digital Chef. Chef Sanjeev Kapoor, Amrita Raichand and Saransh Goila are here trying to pick out India's first digital chef. Powered by India Gate Brown Rice, Weight Watchers, special associate sponsor, Live Pure. हम इस कॉन्टेस्ट के पहले चरण में हैं, राउंड ऑफ 16. हमने खूब सारी एंट्रीज में से चुने हैं 16 होम शेफ्स जो यहाँ बैटल करेंगे इंडियाज डिजिटल शेफ बनने के लिए. आज का मुकाबला काफी घरेलू और कड़क होने वाला है. इमोशनल भी शायद. क्योंकि शेफ आज कौन दो ऐसे होम शेफ्स आने वाले हैं कि बैटल इज गोइंग टू बी. भाई सबसे बढ़िया बात तो जो एक सिबलिंग राइवलरी होती है ना, वो पता नहीं ऐसा बोलते क्यों है, ये दो बहनों की टक्कर हो रही है और दोनों बहनें चाहती हैं जीतना, दोनों बहनें चाहती हैं बनना इंडियाज डिजिटल शेफ. एंड इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि मतलब घर की बात घर में ही रखो. नहीं पर हमारी टीम को भी देखो, दोनों शेफ्स को एक ही कॉन्टेस्ट में डाल दिया, एक ही राउंड में. अलग अलग भी कर सकते थे, ये भी कम नहीं है. अब मजा तो उसी में है ना कि जब एक ही घर से दो अलग अलग ऑडिशन वीडियो आ रही है. करेक्ट. तो हम भी जरा देखेंगे कितना है जुनून खाना बनाने का और कितना पैशन है. पर होता है एक कॉम्पिटिशन, टेनिस में देखें आप, क्रिकेट के अंदर देखें, फिल्मों में देखें, कॉम्पिटिशन होता है. सो आई थिंक इट्स गोना बी फन. वन डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स इंडियाज डिजिटल शेफ. पावर्ड बाय इंडिया गेट ब्राउन राइस वेट वाटर स्पेशल एसोसिएट स्पॉन्सर लिव प्योर. Chef, should we give them a countdown? बिल्कुल, I think time to start. Yes. तैयार हैं आप लोग? 3, 2, 1. So एक काम करते हैं अमृता, should we call? Would you like to invite both the sisters onto our cooking station? Absolutely. तो चलिए वेलकम करते हैं वर्षा जी और स्वाति जी को. आपको रूल्स पता है, 20 मिनट में डिश बनानी है आपको. आपको ये भी पता है कि आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट विद लोकल टच डिश बनानी है. विनिंग डिश बनानी है. क्या बनाएंगे आप? मैं मिक्स दाल की पानकी बना रही हूँ. मिक्स दाल की पानकी और उसके साथ में एक एकम्पनीमेंट है जिसको खुड़ा बोलते हैं. खुड़ा. ओके. वो विदर्भ की रेसिपी है एक्चुअली, लाइक अ चटनी ऑन थेचा जैसे बोलते हैं महाराष्ट्र में. तो वो बना रही हूँ उसके साथ में. अमेजिंग. जैसे कोल्हापुर वगैरह में खरड़ा बोलते हैं. हाँ हाँ, सिमिलर टू दैट. यस, सिमिलर टू दैट. यस. ओके. और मैं भाकरी झुनका मिलाप बना रही हूँ. मतलब झुनका और भाकरी का मैं पराठा कॉम्बिनेशन करके मेथी डाल के थोड़ा हेल्दी टच दे के उसके साथ दही और खरड़ा सर्व कर रही हूँ. क्या बात. तो दोनों वेरी महाराष्ट्रियन. यस. एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट. और देखते हैं कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ अनोखा कीजिए. ट्राई करेंगे जरूर. चलिए शुरू करते हैं. बिल्कुल बनाइए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मेरी बेस्ट विन. यस. चलिए लेट्स बिगिन. 3, 2, 1. मैंने वो दाल को सोक करके इधर उसका पेस्ट बनाया. मैंने सोचा झुनका और भाकर ये यूजुअली सब इवन विलेजेस में वगैरह भी वो नाश्ते का एक काइंड ऑफ ये है. तो मैंने सोचा इसको थोड़ा हेल्दी बनाते हैं. पाँच मिनट हो चुके हैं आपके, 15 मिनट बचे हैं.
कैसा चल रहा था? ठीक है, अंडर कंट्रोल? यस, सो फार सो गुड. कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. बड़ी दीदी, मैं आपको बड़ी दीदी बुला सकती हूँ? हाँ. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी तो पहले बहुत मैं टेंशन में थी, लेकिन आप लोगों ने रिलीज कर दिया टेंशन. रिलीज कर दिया. चलो, ये ऐसा पहली बार हुआ है हमारे साथ कि हम रिलीज कर देते हैं. यूजुअली टेंशन बढ़ा देते हैं हम. हाँ. तो आप लोग दोनों को देख के अच्छा लग रहा है यहाँ पे. थैंक यू. एनी वे, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, लेकिन मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि टाइम का थोड़ा आप लोग दोनों ध्यान रखिए प्लीज. हाँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी इलेबरेट, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें बना रही हैं, तो टाइम का प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम के मामले में यहाँ सब बहुत स्ट्रिक्ट है. ज़रा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं. ठीक है. फिर बनाना लीफ को मैंने ऑयल लगाया और उसके ऊपर पान घी स्प्रेड किया, फिर बाद में तवे के ऊपर उस बनाना लीफ को रखा. आपकी बहन है वो. नमस्ते बोल दो दीदी. नमस्ते. दीदी क्या है, कॉम्पिटिटर है मेरी, हराना है दीदी को. हाँ जी, आप लोग हार गए. बोल भी रहे हैं जी, दोनों को विनर करा दो आप बस. काश काश. अच्छा, सब अंडर कंट्रोल है जी? हाँ हाँ हाँ. तो तैयार है आपका ये? एक तो बन गया है. एक बन गया है. हाँ हाँ. और बाकी चटनी भी? चटनी का तो थोड़ा बाकी है अभी काम. ओके, फिर तो हो गया आपका. ये तो गई घर पे, हार गई है तो. इनको भेज दें घर? नहीं नहीं, हो जाएगा उसका भी. हो जाएगा तो हेल्प कर देना. हाँ हाँ, पक्का. हाँ, हेल्प चाहिए बहन की छोटी की. ना हाँ, नहीं बोलेंगे. जब खाना आपको क्या लग रहा है, किस स्टेज तक पहुँचा? 5 मिनट बचे हैं और किस स्टेज तक पहुँचा? डिशेस ख़त्म होंगी या नहीं? देखिए, समय कम है, स्पीड से कर रही हैं, बट आई थिंक थोड़ी टेंशन तो है. जब उन्होंने बोला कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो मेरा तो टेंशन बढ़ गया, क्योंकि जनरली पान की तो एकदम पतली रहती है, लेकिन मेरे को रोल करना था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसको मोटा बनाया. खुशबू अच्छी है, खाना अच्छा बनेगा, ये गारंटी. मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में बहुत टफ कंपटीशन रहेगा, बिकॉज वो डिशेस आर लुकिंग वेरी गुड. बहुत खुशबू अच्छी आ रही है, फिनेस है, और दोनों ही बहनों ने एकदम ट्रेडिशनल रूट पकड़ा है, दो डिफरेंट रीजनल क्यूजींस का, तो टक्कर तो मुकाबले की होने वाली है. बिल्कुल ऐसा लग रहा है. लेट्स सी. एक्चुअली लास्ट 5 मिनट्स में मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, मतलब ये पराठा में अच्छे से पक पाएगा या नहीं, क्योंकि सारांश सर भी बोल रहे थे नहीं हो जाएगा. मैंने तो कॉन्फिडेंटली बोल दिया था कि हो पाएगा. यहाँ बिल रहा है और यहाँ कुट रहा है. तो आपके पास 3 मिनट बाकी हैं, तो आप खुश हैं अपनी पान घी से? सो फार सो गुड. सो फार सो. इसके साथ आप क्या सर्व कर रहे हैं? ये इसको खुड़ा बोलते हैं, खुड़ा. ये इसके ऊपर डाल के इसको रोल कर दूँगा. तो उनका तो डिश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आप थोड़े से पीछे रह गए हैं. हाँ. तो क्या होने वाला है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं. 2 मिनट पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी या पक जाएगी? पक जाएगी. पक्का? पक्का. मैं इनके रास्ते से हट जाता हूँ, क्योंकि इनको चाहिए पूरे 80 सेकेंड. Agreed. 10 seconds. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Time's up. That's it. Okay, Swati ji. चलिए आपसे start करते हैं. छोटी बहन से. स्वाति जी, लुक्स वेरी नाइस. थैंक यू. पहली लुक में बड़ी अच्छी लग रही है. आई रियली लाइक हाउ शी इज प्रेजेंटेड सो नाइसली. नीट प्रेजेंटेशन. या ट्रेडिशनल डिश लाइक पानी. लो जी. थैंक यू सो मच. झनझनीत है, झनझनीत. ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन स्वाति जी. थैंक यू. और आपने अपने तरफ से इसमें
क्या सोच के इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट के हिसाब से? बेसिकली सब दाल है तो प्रोटीन है और वो मेथी ये कोई नहीं खाता है तो उसके अंदर थोड़ा गाजर डाला है और इसके खुड़ा दिया है उसके साथ में, उसमें भी थोड़ा मेथी लीव डाला है। तो स्वाति जी मुझे जो इसके लोकल फ्लेवर है वो बड़े पसंद आए। गार्लिक की पंजेंसी है, थोड़ी शार्पनेस है और पांगी में जो थोड़ी सी मिठास भी आती है, जो आपकी पांगी है थोड़ी थोड़ी जगहों से थोड़ी सी मोटी है। मोस्टली जो मैंने पांगी खाई है वो एकदम पेपर थिन होती है, तो कहीं कहीं से वो पतली भी है, कहीं कहीं से मोटी भी है, तो आई वुड हैव लाइक कि अगर थोड़ा सा। जब सारांश सर ने मेरे को पूछा कि उन्होंने तो पांगी खाया है और वो बहुत पतला रहता है लेकिन आपका तो इतना पतला पांगी नहीं है, तब मैंने उनको बोला कि यूजुअली वो राइस फ्लावर से बनता है तो ईजिली स्प्रेड हो जाता है और मैंने मिक्स दाल का पांगी बनाया है इसके लिए शायद वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। स्वाति जी लुक जो है बहुत अच्छा, प्लेट पे प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा, हेल्दी है, यू कैन फील कि हाँ ये इससे स्वाद भी आ रहा है और हेल्दी भी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पता चल जाता है कि आप जैसे खाते रहते हैं ना तो आपको वो लगता है कि हाँ ये काफ़ी हेल्दी चीज़ है, वो आ रहा है इसके अंदर। चलिए बड़ी दीदी जी आ जाइए आप। वाह, तो आपने झुमका और भाकर को कंबाइन किया और भाकर के इसमें खाली जवार का ये रहता है तो मैंने जवार, बाजरा, रागी वो तीनों मिक्स करके भाकरी बनाई है। एक ही चीज़ कहूँगा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं कोई भी जो ब्रेड है उसका मज़ा आता है बाहर से खस्ता हो अंदर से मॉइस्ट हो, तो क्योंकि स्टफिंग में बेसन है, बेसन ड्राई करता है, वो ड्राइनेस के लिए आपने प्याज डाला है, प्याज काफ़ी मॉइस्चर रिटेन करता है, प्याज थोड़ा और ज़्यादा डालते आप तो अंदर बढ़िया मॉइस्ट रहता है, बस वो हल्का सा मॉइस्चर भारी पड़ सकता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। थैंक यू, वी विल जस्ट डिसाइड एंड टेल यू। थैंक यू। बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों ने ट्रेडिशनल रूट लिया डिशेस बनाने का, उनकी प्रेजेंटेशन बेटर थी छोटी बहन की। सो इट वॉज वेरी वेरी टफ टू टेक अ डिसीजन, पर डिसीजन तो हमने लिया है कि आप में से कोई एक ही आगे बढ़ेगा आज। छोटी बहन चाहती है कि बड़ी बहन जाए, बड़ी बहन चाहती है कि कुछ भी हो वो भी चलेगा। आज हम छोटी बहन की चाह के साथ जाते हैं और विनर बड़ी बहन को। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। आपके साथ में मुलाकात होगी अगले राउंड में, क्योंकि ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा तब तक जब तक हमें मिल नहीं जाएगा हमारा इंडिया डिजिटल शेफ। हेलो इंडिया, इन टुडेज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वेर यू हैव all sorts of social media tools with you, you should take up this opportunity to showcase your skill. You should use these social media channels to create your identity and to showcase your skill. Absolutely. We are bringing to you this unique opportunity to become India's digital home chef. Your tasty and healthy recipes can become your identity. The contest is very simple. You have to create a recipe for all the gym goers. You have to make sure you use India Gate brown rice or quinoa in that recipe, and then... And this yummy and tasty recipe that you create for all the gym goers, you have to upload that picture on your Instagram handle, and don't forget to tag India Gate Foods. Don't forget to mention the recipe in the caption, and they have to use the hashtag India's Digital Home Chef. The best entries get to not only win the title of India's Digital Home Chef, but they also get a hamper from India Gate. Winner of India's Digital Home Chef contest, the Office Course Challenge is... Camera, phones, action. Oh,
matlab. Okay, done, sent. Keep rolling. आप बुला रहे हैं? तो चलिए वेलकम करते हैं वर्षा जी और ज्योति स्वाति जी को सर. वर्षा जी और ज्योति स्वाति जी को सर. वर्षा हर्षा? हाँ वर्षा या हर्षा? वर्षा. वर्षा जी ना. हाँ बट वर्षा राइट. हाँ वर्षा जी.